हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के वीडियो में हम पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी और मतलब समझने वाले हैं। ये पांच वर्ड्स हैं एट, अटैक, अटेंशन, अटॉर्नी और ऑडियंस। इन पांच वर्ड्स के हिंदी और मतलब समझने के बाद हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि उनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं इन पाँच वर्ड्स के मतलब को समझना। आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है एट। एट का हिंदी में मतलब होता है पर। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही शॉट एट मी, इसका मतलब उसने मुझ पर गोली चलाई। शॉट यानी गोली चलाना, तो ही शॉट एट मी, उसने मुझ पर गोली चलाई। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज एट होम, मतलब मैं घर पर था। राइट, वॉज है यानी कि भूतकाल है, तो इसका मतलब हो जाता है मैं घर पर था। तीसरा एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6:30, इसका मतलब कि मैं 6:30 पर उठता हूँ। चौथा एग्जाम्पल, ही इज एट हिज डेस्क, इसका मतलब वो उसके टेबल पर है। राइट, तो मैं अगर ऐसे कुछ बताना है कि वो बंदा उसके टेबल पर है या वो वहाँ पर बैठा हुआ है, तभी हम एट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका लास्ट एग्जाम्पल, इज शी एट होम, तो यहाँ पर हमने एक सवाल पूछा है, तो ये पूछा है कि क्या वो घर पर है, तो इस केस में एट का मतलब पर बन जाता है। फ्रेंड्स, एट शब्द का दूसरा मतलब होता है और या तरफ। तो अगर ऐसे कुछ बोलना है मेरी तरफ, उनकी तरफ, ऐसा कुछ बोलना है, तो वहाँ पर भी एट शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, लुक एट मी, इसका मतलब है कि मेरी ओर देखो। राइट, तो यहाँ पर एट शब्द है, उसका मतलब हो जाता है और, मेरी ओर देखो या मेरी तरफ देखो। दूसरा एग्जाम्पल, शी लुक्ड एट मी, इसका मतलब उसने मेरी तरफ देखा या मेरी ओर देखा। तीसरा एग्जाम्पल, ही पॉइंटेड एट मी, इसका मतलब उसने मेरी ओर पॉइंट किया या निशाना किया। राइट, तो अगर किसी ने आपकी तरफ निशाना किया हो, या तो उंगली या तो कोई भी चीज़, तो उस केस में भी आप एट शब्द का इस्तेमाल करते हो कि उसने मेरी तरफ या मेरी ओर निशाना लगाया। और इसका लास्ट एग्जांपल, लुक एट दैट फोटो, तो इसका मतलब उस फोटो की तरफ देखो या उस फोटो की ओर देखो। फ्रेंड्स, एट शब्द का तीसरा मतलब होता है मे। तो अगर आपको ऐसे बोलना है कि वो एक बैंक में काम करता है, उस केस में भी आप एट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही वर्क्स एट अ बैंक, इसका मतलब वो एक बैंक में काम करता है। तो अगर हमें किसी के बारे में बोलना है कि वो यहाँ पर काम करते हैं, तो उस केस में हम एट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम गुड एट टेनिस, इसका मतलब मैं टेनिस में अच्छा हूँ। राइट, अगर आप किसी कला में अच्छा हो, तो वहाँ पर भी आप एट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, आई एम गुड एट टेनिस, मैं टेनिस खेलने में अच्छा हूँ। राइट, या टेनिस में अच्छा हूँ। तीसरा एग्जांपल, ही इज़ गुड एट सिंगिंग, इसका मतलब वो गाना गाने में अच्छा है। राइट, अगर कोई गाना गाने में अच्छा है, डबल है, तो वहाँ पर भी हम एट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एट शब्द का लास्ट मतलब होता है से। तो अगर आपको ऐसा कुछ बोलना है यहाँ से शुरू होता है, तो उस केस में एट शब्द का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, प्राइस स्टार्ट्स एट 600 रुपीज़, तो इसका मतलब है कि कीमत 600 रुपये से शुरू होता है। तो अगर आपने अगर टीवी देखा होगा या तो फिर कोई ऐड देखी हो, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि प्राइसेस या कीमत इतने रुपये से शुरू होती है, तो उस केस में भी एट से बोलने के लिए यहाँ से, तो एट शब्द का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है अटैक। अटैक का हिंदी में मतलब होता है हमला करना। तो अगर कोई किसी पर हमला कर दे, तो वहाँ पर हम अटैक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही वॉज अटैक्ड बाय अ शार्क, तो इसका ये मतलब है कि उस पर शार्क ने हमला किया था। तो सपोज वो पानी में तैर रहा हो या कुछ कर रहा हो पानी में, तो उस टाइम शार्क ने उस पर हमला कर दिया हो, तो वहाँ पर हम अटैक शब्द का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अ डॉक्टर वॉज अटैक्ड बाय 2 youths, इसका मतलब है कि एक डॉक्टर पर 2 युवकों ने हमला किया। इस केस में भी हम अटैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एग्जांपल, द एनिमी अटैक्ड द टाउन, इसका मतलब कि दुश्मन ने शहर पर हमला किया। तो अगर शहर पर किसी दुश्मन ने हमला किया हो, तो वहाँ पर भी यही शब्द यूज़ होता है, अटैक। तो अटैक का पहला मतलब होता है हमला करना। फ्रेंड्स, अटैक शब्द का दूसरा मतलब होता है कोई चीज़ जो हानिप्रद या विनाशकारी कार्य करे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो हानिप्रद या विनाशकारी कार्य करता हो, तो उसको भी हम अटैक बोलते हैं। राइट, तो अगर आपने सुना हो, तो इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि उसको अस्थमा का अटैक हुआ, तो
तो अस्थमा उसके ऊपर एक हानिप्रद कार्य करता है, तो वहाँ पर भी हम अटैक शब्द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, टॉम हैड एन अस्थमा अटैक, इसका मतलब है कि टॉम पर अस्थमा ने हानिप्रद या विनाशकारी कार्य किया। दूसरा एग्जाम्पल इसका, ही हैड अ माइल्ड हार्ट अटैक, तो इसका मतलब है कि उन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा, तो माइल्ड यानी हल्का, तो हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलते कि हार्ट ने उस पर अटैक किया या हार्ट ने उसका उसके ऊपर हमला किया, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसको हार्ट की जो तकलीफ थी वो उसके ऊपर हानि पहुँचाने की तरफ जा रहा था। फ्रेंड्स, अटैक शब्द का तीसरा मतलब होता है आक्षेप करना, तो अगर कोई किसी पर आक्षेप करता हो तो वहाँ पर भी अटैक शब्द का ही यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही अटैक्ड द गवर्नमेंट्स डिफेंस पॉलिसी, तो इसका मतलब उन्होंने सरकार की रक्षा नीति पर आक्षेप किया। तो शायद सरकार ने कोई रक्षा नीति अपनाई हो और वो किसी को अगर अच्छी तरह ना भाया हो तो वहाँ पर वो आक्षेप कर सकता है, तो उस केस में भी अटैक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एवरी वन अटैक्ड माई ओपिनियन, इसका मतलब सभी ने मेरे राय पर आक्षेप किए। तो अगर आप कोई राय उठा देते हो और लोगों को वो पसंद ना आए तो वहाँ पर वो आक्षेप करते हैं कि ये गलत है। तो यहाँ पर अटैक का मतलब हमला नहीं होता, यहाँ पर इसका मतलब है कि आक्षेप करना। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है अटेंशन। अटेंशन का हिंदी में मतलब होता है ध्यान। तो अगर हमें ध्यान ऐसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो वहाँ पर हम अटेंशन शब्द का यूज़ करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पे अटेंशन, तो इसका मतलब है कि ध्यान दे या ध्यान दीजिए। तो हम चाहते हैं कि कोई अगर आपके बोलने पर ध्यान दे तो वहाँ पर आप उनको ऐसे बोल सकते हैं, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम पेइंग अटेंशन, इसका मतलब है कि मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ध्यान दीजिए और अगर आपको ऐसा लगा कि वो गलत बोल रहा है आपसे, कि आप तो ऑलरेडी ध्यान दे रहे थे, तो वहाँ पर आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आई एम पेइंग अटेंशन, मैं ध्यान दे रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, आई डिडंट पे अटेंशन, इसका ये मतलब है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो जब कोई बात कर रहा हो और आपका दोस्त आपके पास बैठा है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो बाद में जाके वो ऐसा बोलेगा कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। फ्रेंड्स, अटेंशन शब्द का दूसरा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या चीज का खास ख्याल रखना। तो जब हमें किसी व्यक्ति या किसी चीज का खास ख्याल रखना हो तो वहां पर भी हम अटेंशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, हिज बिजनेस नीडेड हिज अटेंशन, इसका मतलब है कि उसके कारोबार को उसके ख्याल की ज़रूरत थी। तो यहाँ बिजनेस यानी कारोबार, उसको किसकी ज़रूरत थी, नीड, नीड यानी ज़रूरत, तो किसकी ज़रूरत थी, हिज अटेंशन, उसी की ख्याल की ज़रूरत थी। राइट, अगर कोई उसके कारोबार पर ठीक से ध्यान ना दे रहा हो या उसका ठीक से ख्याल ना रख रहा हो तो उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। तो उस केस में हम ऐसा कुछ सेंटेंस बोलते हैं, हिज बिजनेस नीडेड हिज अटेंशन। यू मस्ट गिव अटेंशन टू हिज डिजीज, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उनके बीमारी का ख्याल रखना पड़ेगा, खास ख्याल। यहाँ पर हम ऐसे बताना चाह रहे हैं, खास ख्याल रखना कि उनके बीमारी का। तो जब हमें ऐसा लगता है कि किसी की बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो उस केस में आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, यू मस्ट गिव अटेंशन टू हिज डिजीज। और फ्रेंड्स, अटेंशन शब्द का तीसरा मतलब ये है कि किसी मुद्रा में खड़े रहना। ये आपने अक्सर सुना होगा, जब आप किसी सिपाही को देखते हो तो उन्हें बोला जाता है अटेंशन, तो वो एक मुद्रा में खड़े रहते हैं जहाँ पर वो पाँव सीधा रखते हैं, पास पास रखते हैं, राइट, तो उस केस में भी अटेंशन शब्द का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है अटर्नी। अटर्नी शब्द का हिंदी में मतलब होता है वकील। तो अगर आपको वकील ऐसे कुछ इंग्लिश में बोलना है तो आप या तो एडवोकेट बोल सकते हो या तो अटर्नी भी बोल सकते हो। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आई एम एन अटर्नी, इसका मतलब है कि मैं एक वकील हूँ। राइट, तो अगर आप वकील है, अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं वकील हूँ, तो वहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम एन अटर्नी। दूसरा एग्जांपल, आई वांट एन अटर्नी, इसका मतलब मुझे एक वकील चाहिए। सपोज आप किसी केस में पड़ गए या तो फिर आपको ज़रूरत पड़ी किसी वकील की, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई वॉन्ट एन अटर्नी, मुझे एक वकील चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, आई सजेस्ट यू कॉल एन अटर्नी, इसका मतलब है मेरा सुझाव है कि आप एक वकील को बुलाएं। सजेस्ट यानी सुझाव, तो मेरा सुझाव है कि आप एक वकील को बुलाएं। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ऑडियंस। ऑडियंस का हिंदी में मतलब होता है दर्शक।
तो अगर आपको ऐसा कुछ इंग्लिश में बोलना है, दर्शक बैठे थे, तो वहाँ पर आप ऑडियंस शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, द स्पीच डीपली अफेक्टेड द ऑडियंस। इसका मतलब है कि भाषण ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। तो स्पीच का मतलब क्या हुआ यहाँ? भाषण। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम नोटिस्ड मेरी सिटिंग इन द ऑडियंस। तो इसका यह मतलब है कि टॉम ने दर्शकों में बैठी मेरी को देखा। तो अगर आप दर्शकों में से किसी एक जाने पहचाने व्यक्ति को देखते हो, तो वहां पर आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि टॉम ने दर्शकों में बैठे मेरी को देखा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे एट, अटैक, अटेंशन, अटर्नी और ऑडियंस। अगर आपको इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब पता चला हो, तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।